नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम शुक्रवार को जौनपुर पहुंचे, केशव मौर्य जन विश्वास की रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने पूरे यूपी में 50 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर सपा पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा यदि छापेमारी का स्वागत करने के बजाय विरोध कर रही है तो यह निश्चित रूप से चोर की दाढ़ी में तिनका है। जांच एजेंसियां अगर छापेमारी नहीं करती तो गरीब कल्याण का पैसा तहखाने से कैसे निकलता। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका पैसा इन छापेमारी में से निकल रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहीं से भी छापेमारी का स्वागत नहीं किया है, उल्टे सपा के लोग छापेमारी का विरोध कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार सपा कार्यकाल में हुआ था जिसका खुलासा भाजपा के शासनकाल में छापेमारी के दौरान हुआ। छापेमारी चल रही है, बीजेपी पर लगातार सपा हमला बोल रही है कि बौखला गए, चित्र और मित्र की बात सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी अपना आईडी नीचे करिए सब। छापे की किसी कार्रवाई पर अगर एक भी शब्द उनके मुंह से निकला है तो यह मैं मानता हूं कि अभी मैंने सुना नहीं है, आप बता रहे हो उसके आधार पर बोल रहा हूं, तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। जांच की जो एजेंसियां होती हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये ताखाने में छिपाया गया गरीब कल्याण के लिए जो पैसा 280 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है ये कहाँ से बरामद होता। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है और जो छापे की कार्रवाई चल रही होगी, मैं जो आप बता रहे हो मैंने भी सुबह सुना है, वो छापे की कार्रवाई का अगर सपा स्वागत करने की जगह उस पर कोई भी बयान दे रही है तो दाल में कुछ काला है। धन्यवाद। पीयूष जैन की यहाँ जो छापेमारी हुई वो नंबर एक बात में आपको शायद पूरी जानकारी नहीं, और जानकारी करके सवाल पूछिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो